हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जी के। आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टीटास्किंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो 19 मई 2023 की सुबह शिफ्ट में हुआ था 9 से 10:30 बजे के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4th, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो उसका क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3rd, इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लगभग 2000 साल पहले डैश कुषाणों की राजधानी बनी? इसका आंसर ऑप्शन ए, मथुरा बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक था? इसका आंसर ऑप्शन 2 है, मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अक्टूबर 2022 में किस देश को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी संस्था की गृह सूची से बाहर कर दिया? इसका आंसर ऑप्शन 3 है, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमन कमीशन का उद्देश्य डैश था? इसका आंसर ऑप्शन 3rd है, भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना, 3rd इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1st है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, असद अली खान वाज एन इंडियन म्यूजिशियन हु प्लेड डैस? इसका आंसर ऑप्शन 1st है, रुद्र वीणा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन 2 है, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 10 है, मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय डैस है? इसका आंसर ऑप्शन 2 है, भक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीतने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर ऑप्शन 4th है, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत नाटक प्रदर्शन भाषा सतरिया नृत्य के नए रूपों में पेश करने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 3rd है, श्रीमंत शंकर देव। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर 4th है, चार्टर अधिनियम 1793। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर 1st है, वर्ष 1951 से 1981। नंबर 15 है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? इसका आंसर ऑप्शन 1st है, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? इसका आंसर ऑप्शन 1st है, 7वां सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय उपभोक्ता है? इसका आंसर ऑप्शन 4th है, सांप। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इसका आंसर ऑप्शन 3rd है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध वस्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षु के रहने का स्थान है? इसका आंसर ऑप्शन 1st है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोरमागाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर 2 है, गोवा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक भारत के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 नगर निगमों के एकीकरण से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 3rd है, दिल्ली नगर निगम विधेयक। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर डैश है? इसका आंसर ऑप्शन 1st है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन 3 है, अमिताभ घोष। नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इसका आंसर ऑप्शन 2 है, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 डैश से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 1st है, ग्राम पंचायतों के संगठन से।